हाय दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आई हो कि आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पूनम कुमारी ऑफिशियल की। दोस्तों बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है उन दवाइयाँ भी आई थी, फिर भी हमको आराम नहीं हुआ रात को। दोस्तों डॉक्टर से चेक करवाने के बाद डॉक्टर ने बोला है कि आप एक महीने तेज दर्द कर रहा है क्या? तुम्हारे भाई को जगा रहा है? इंतजार करो, अभी तो कितना बज रहा है? 4 बज रहा है। लिए थे दवाई तब भी नहीं बंद हो रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने वीडियो क्लिप तो देख ही लिया है, तो आगे वीडियो में बताती हूँ कि पूनम कुमारी ऑफिशियल का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। दोस्तों वो बहुत ज़्यादा भर्ती हैं, 4 बजे रात से उनका बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया है। तो दोस्तों वो भर्ती हैं तो उनके नाक से ब्लड चढ़ रहा है, उनके माथे में दर्द है। तो उनके सर में डॉक्टर बोला है कि हर 3 से 4 दिन में बिजली का शॉर्ट लगेगा। पता नहीं क्या उनके सर में हो गया है, बहुत ज़्यादा तबीयत उनका इतना ख़राब है ना कि वो बोल नहीं पा रही हैं, बस एडमिट है, बस कहाँ रही हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो क्लिप में तो देख ही लिए होंगे। तो दोस्तों क्या बताऊँ, मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। इतना अच्छा डांस करती हैं, इतनी अच्छी हैं वो, इतना अच्छा बोलती हैं। तो दोस्तों मैं क्या बताऊँ, मैं इस वीडियो के बारे में यही बता सकती हूँ कि आप लोग दुआ कीजिए कि पूनम कुमारी जल्दी ही ठीक हो जाए। रील्स वगैरह भी अच्छा बनाती हैं और गाने वगैरह भी अच्छे बनाती हैं, कोई अश्लील वीडियो नहीं आती है। थोड़ा बहुत अश्लील तो यूट्यूब पर चलता ही है, अगर यूट्यूब पर थोड़ा बहुत अश्लील नहीं चले तो वीडियो नहीं वायरल होगी। दोस्तों ये देखिए, पूरा कपड़े में वीडियो बनाती हूँ तो 2, 4, 5, 6, 7 व्यू से ज़्यादा नहीं मिलता है। और इस वीडियो में मैं भगवान से दुआ करती हूँ, और दोस्तों आप लोग भी भगवान से दुआ कीजिए कि नीलम का ये नाम आ गया, क्योंकि नीलम का मैं वीडियो देख रही थी। वो लोग तो दोनों लोग खाली पब्लिश का जैसे व्यू पाने के लिए लड़ाई झगड़े कुछ नहीं हुए हैं, प्रेग्नेंट हैं, काम धंधा उतना नहीं कर पा रही हैं, तो सास ससुर डांट रहे हैं, पति उनका मारा है, उनके बाजू में यहाँ काला काला पड़ गया है। तो दीपू सिंह 420 तुम्हारा नाम है, 420 है तो तुम 420 ही करोगे ही करोगे। पागल, तुम दिल्ली में बैठे हो तो इसका क्या मतलब है? गांव के लोग गंवार है, गांव के लोग अगर अनाज ना काटे ना तो तुम भूखे मर जाओगे, पैसे खा के नहीं जी सकते। गांव के लोग तो अनाज उगा के जी सकते हैं, तो तुम्हारा ना। और नीलम कुमारी, तुम अपने पति को समझाओ, उल्टा पुल्टा बकवास करता रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों का जो है, वीडियो में यही एंड करने जा रही हूँ। आप लोगों को वीडियो पसंद एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।